यारों को सलाम। मैं अमित बंसल आपका दोस्त आपका होस्ट आज आपके लिए एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी लेके आया हूँ जो कि रोहिणी का एक सोसाइटी फ्लैट है। बात करें तो ये 3 BHK प्रॉपर्टी है। तो चलिए गाइस हम चलते हैं ड्रीम होम टूर पे एंड बाकी बात वहीं करते हैं। तो कैसा ये फ्लैट है, कैसे इसको डिजाइन किया गया है। तो गाइस जैसा आप देख पा रहे हैं अभी हम हमारे लिविंग रूम में है। जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे सामने LED पैनल है, एक नंबर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, कलरफुल इसको डिजाइन किया गया है, कलरफुल और तरह तरह की इसमें लाइट्स लगाई गई हैं एंड इसमें शोकेस की लुक दी गई है। पैनल के चारों तरफ से शोकेस की लुक दी गई है एंड यहाँ पर अपने शो पीस रखना चाहे तो शो पीस रख सकते हैं एंड इसके सीलिंग को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सीलिंग एक नंबर, सीलिंग आप देख पाएंगे प्रॉपर व्हाइट कलर की सीलिंग के अंदर ब्लू कलर की कोबराइट घुमा दी गई है जो कि एक बहुत ही कहते हैं ना कि अट्रैक्टिव लुक दे रही है इस सीलिंग को। एंड गाइस एक और खास बात जो है, मैं ना आजकल व्हाइट कलर की वॉल्स बहुत ही कम देखता हूँ बट मुझे यहाँ पे ना बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो बेस कलर यूज किया गया ना वो व्हाइट कलर यूज किया गया है एंड मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाइस हम चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 1 की तरफ। तो गाइस अब हम आ गए हैं हमारे बेडरूम नंबर 1 में। जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे सामने ये है हमारा LED पैनल इस बेडरूम का। इसके अंदर बेज एंड ब्राउन कलर का कुछ कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड ये हमारा सामने जो है हमारा वार्डरोब है, इसमें स्लाइडर दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर माइका काम किया गया प्लस अंदर प्रोफाइल लाइट घुमाई गई है तो लाइट्स की कमी नहीं है एंड किसी तरह की काम की कमी नहीं है। बहुत प्यारी जो है वार्डरोब बनाई गई है हमारी। अगेन आप देख सकते हैं ये वाली वार्डरोब भी सॉफ्ट क्लोज पूरा बनाया गया है इनको, जैसे कि अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं ऐसे तो ये इजीली जाकर जो है क्लोज हो रहे हैं। चैनल बहुत अच्छे लगाए हैं, फिटिंग बहुत प्यारी लगाई गई है। 7 foot गाइस यहाँ पे हमारा लुकिंग मिरर भी दिया गया है, लुकिंग मिरर भी दिया गया है। नीचे वार्डरोब नीचे प्रॉपर ड्रॉर्स दिए गए हैं। तो एक और चीज गाइस ऊपर की ओर एरिया को भी यूटिलाइज किया गया और हमारे यहाँ पे हेडलाइट दिए गए हैं, ये हमारे यहाँ पे हेडलाइट दिए गए हैं। तो अपलिफ्टर्स हैं, हाइड्रोलिक अपलिफ्टर्स। तो गाइस हम चलते हैं हमारे वॉशरूम नंबर 1 की तरफ जो कि सीधा अटैच वॉशरूम दिया गया है। हमारा वॉशरूम है, ये वाला एरिया जो है हमारा पूरा बेसिन एरिया दिया गया है, ये हमारा ऊपर शार दिया गया है, ये हमारा बेसिन हो गया, ये हमारा WC हो गया एंड यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा के दिया गया वेंटिलेशन पर्पस के लिए। गाइस इस वॉशरूम का एक्सेस ना डबल डोर के थ्रू दोनों बेडरूम्स का दिया गया है। एक बेडरूम जैसा हम देख पा रहे थे ऑलरेडी, एक जिधर मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे डोर है, इस डोर एक्सेस के थ्रू जो है हमारा बेडरूम नंबर 2 के साथ भी इस वॉशरूम का एक्सेस दिया गया। तो गाइस हम चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 2 की तरफ। गाइस अब हम आ गए बेडरूम नंबर 2 में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये जो बेडरूम है इसके पीछे बहुत ही बड़ी सी एक बहुत ही खूबसूरत सी एक UPVC की विंडो दी गई है एंड अगेन इसमें 3 चैनल के थ्रू हमारा जो है जाली भी दी गई है प्लस मिरर भी दिया गया। वेंटिलेशन पर्पस से आप यूज करना चाहें तो इसमें जाली वाली विंडो भी दी गई है। एंड 1 more thing गाइस, इस विंडो में जैसा मैं देख पा रहा हूँ पूरी सोसाइटी का एक बढ़िया सा व्यू मिलता है यहाँ पे। तो एक और मैं इसमें जो है ना एक खास बात जो है इसकी वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, आप मेरा जुड़े रहिए। गाइस तो इस बेडरूम का हमारा जो है ये हमारा LED पैनल दिया गया है। मेरे को ना पता है बहुत ही अलग एक यूनिक लुक दे रहा है LED पैनल, क्योंकि ना इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत प्यारा लग रही है। जिस तरह का स्पेशली ये मटेरियल यूज किया गया ना एक बहुत ही फाइन टच और बहुत ही मजेदार एक लुक दे रहा है। और ये गाइस हमारे सामने जो है ये हमारी वार्डरोब दी गई है, इसमें भी अगेन LED लाइट दी गई हैं जो कि वर्क करती हैं, सेंसर बेस्ड होती हैं। क्लोज करते हैं तो सॉफ्ट क्लोज हमारे चैनल सब कुछ दिया गया है, अगेन LED लाइट दी गई है, सॉफ्ट क्लोज डोर्स बनाए गए हैं। गाइस हम चलते हैं, एक और जो चीज मैं दिखाना चाहूंगा इस फ्लैट के अंदर ना आपको अलग से मिल जाता है आपको वॉशिंग एरिया जिसका एक्सेस इस बेडरूम के साथ से दिया गया है। ये देखिए गाइस ये हमारा जाता है वॉशिंग एरिया, पूरा का पूरा एरिया सिर्फ वॉशिंग पर्पस के लिए और कुछ नहीं। एंड गाइस यहाँ से एक और आपको विंडो मिल जाती है जो कि फिलहाल ओपन है, जिसको आप ऐसे बालकनी यूज करना चाहें तो बालकनी यूज कर सकते हैं, विंडो लगा के इसको आप क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसको ऐसे बालकनी यूज करें। ठीक है गाइस हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ।
तो गाइस हम आ गए हमारे किचन में। ये जितनी किचन होनी चाहिए ना फ्लैट में एक उतनी किचन है। ये कलर कॉम्बिनेशन अगेन ग्रे कलर की थीम यूज की गई है ऑल टुगेदर। हमारी चाहे वो टाइल देखेंगे, अगर आप चाहे हमारे आपके ऊपर के जितने भी डोर्स दिए गए हैं इनके ऊपर की माइका देखेंगे, अंदर की माइका देखेंगे, तो ये ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन की फिल देने की कोशिश की गई है। मोर ऑफर मैं कहूँगा ग्रे एंड व्हाइट कलर में, जैसा हम हमारी स्लैब देख पा रहे हैं, जैसा हम यहाँ पे मोरक्का में स्टाइल देख पा रहे हैं, तो ये भी ग्रे एंड व्हाइट है। तो कुछ ग्रे एंड व्हाइट लुक देने की कोशिश की गई है, जो कि ग्रे एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा हो रही है, तो बहुत ही प्यारी लुक दे रही है। ड्रॉट्स जो है ना वो बहुत सारे दिए गए हैं यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ जो ड्रॉट्स हैं वो बहुत सारे हैं, एंड जितने भी ड्रॉट्स दिए गए हैं सब ये जो है ना ये सब सॉफ्ट क्लोज हैं, तो इनकी लाइफ अच्छी होती है, इनके ये लंबे चलते हैं। सामने हमारा सिंक था गाइस, हमारे जो स्विचेस दिए गए ना गाइस, स्विचेस ये सब हैवेल्स के हैं, सब ब्रांडेड हैं हैवेल्स जैसा आप देख पा रहे हैं। एंड जो हमारा सामने जितनी भी फिटिंग है सैनिटरी फिटिंग है सब के सब जैगुआर है, तो मटेरियल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, ब्रांड का भी अच्छा है गाइस। अब हम आ गए हमारे कॉमन वॉशरूम के अंदर, जो कि हमारे लॉबी से या फिर लिविंग एरिया के साथ लगता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ बेज कलर का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, बेज के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स को यूज किया गया है वॉल पे एंड फ्लोरिंग पे। एंड ये हमारा गाइस हमारा बेडिंग एरिया है, ये हमारा यहाँ पे WC है एंड ये हमारा WBA है, अगेन जयपुर की फिटिंग यूज की गई है। गाइस अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 3 की तरफ। गाइस ये हमारा है बेडरूम नंबर 3, ये जो है हमारा सामने इसका LED पैनल है, जो कि अगेन बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, एक नंबर फील है गाइस, एक नंबर। ये गाइस हमारा सामने जो है ये हमारा वार्डरोब है, ये हमारा वार्डरोब है, अगेन LED लाइट्स, सॉफ्ट क्लोज, सब कुछ ब्रांडेड है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ प्रीमियम क्वालिटी का यूज किया गया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कहते हैं ना सिंपल एंड अट्रैक्टिव, वो है सिंपल है अट्रैक्टिव। डोर हैंडल्स हैं हैवी क्वालिटी के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, यूज करने के लिए हैं, लाइफ इनकी अच्छी है, लाइफ लॉन्ग है। तो गाइस अब हम आ गए हैं हमारे बालकनी में, बालकनी में भी हमारे को एक वॉशिंग पर्पज के लिए हमारे को टैप मिल जाती है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वॉशिंग एरिया की तरह यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। प्लस सबसे जो मेन पॉइंट है ना गाइस वो है इस बालकनी का व्यू, आपको यहाँ मिलता है रोड साइड व्यू, ऐसी रोड नहीं है गाइस, ये वो रोड है जिसके उधर की तरफ है आपका जैपनीज पार्क राइट, जैपनीज पार्क जो कि दिल्ली में एक बहुत ही फेमस पार्क है, तो अपने आप की लोकेशन भी एक अट्रैक्टिव पॉइंट बन जाता है। प्लस अपने आप पे बालकनी है और ये फ्लैट है ना, ये भी एक अट्रैक्टिव चीज बन जाती है गाइस। गाइस हम चलते हैं अपने लॉबी एरिया में, बाकी बात नहीं करते हैं। मैं चीज बताना भूल गया था, ये जो हमारी लिविंग एरिया है, इस लिविंग एरिया के यहाँ से एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी विंडो दी गई है, सेम उसी व्यू की तरह जो कि हमारा जैपनीज पार्क व्यू है, या फिर आप कह सकते हो रोड साइड व्यू है, दोनों व्यू है गाइस। तो व्यू पीछे की तरफ से भी हमारा सोसाइटी का व्यू मिल रहा था, आगे की तरफ से रोड साइड व्यू मिलता है, जैपनीज पार्क व्यू मिलता है। तो गाइस बहुत ही अमेजिंग लोकेलिटी है, बहुत ही अमेजिंग ये फ्लैट है और बहुत ही अमेजिंग सोसाइटी है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई है, अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसी कोई और प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना है गाइस, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे साथ आने वाली हर वीडियो में जुड़े रहे। गाइस आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, ऐसे ही अच्छी प्रॉपर्टीज लाता रहूँगा, बस आप मेरे साथ बने रहे और थोड़ा अपना प्यार दिखाते रहे बराबर मेरी तरफ। शुक्रिया।